काहे यू अलग अलग रंग की स्कर्ट पहन रखी है? मंडे है ना, लाल रंग की स्कर्ट पहनी जावे। यू कहाँ पहन रखी है ब्लैक एंड व्हाइट? सॉरी मैडम। सॉरी करवा लो बस। तू यू कहाँ ड्रामे लिया डोल रहा? ए मैडम जी, मेरे सिर में दर्द हो रहा। क्या सु ठीक हो जावे? हाँ। और तेरा यू कहाँ सिस्टम है? मैडम जी, मेरी जो ना रेट बह रही है, या चक्कर में यू बेर बेर निकालना पड़े, या मारे मैंने यू यहीं टांग दियो। पति कोरोना वायरस ही फैलाया जा रहा है, यू कहाँ लगा रखा माथे पे? मैडम जी, मेरी जो ना नजर बहुत ज्यादा लगे, ये सारे मोह नजर लगा दे फिर मेरा पढ़ाई मन न लगता, या मारे मैंने काला टीका लगा रखा हो। सारी नजर तो जही लगेंगी, इतना भी मलूक ना है तू। ओह नो। और तू यू कैसा माथा फूटा पड़ा है तेरा? मैडम जी, कल रात में सो रहा हूँ, एक मच्छर आएंगे तो घूमता वाना मेरे डंक मार दी, मेरा माथा फोड़ दिया वाने। ऐसा कैसा डंक मार दिया भाई? पूरा मैडम जी, तुम्हें नहीं पता खुरपा जैसे डंक ले रखे हैं आजकल मच्छरों ने। अच्छा, तो ये खास मच्छर डायनासोर प्रजाति के तेरे ही घर में, हमारे घर में तो ना है। अलग ही बात लेके आवे सदा। नमस्ते मैडम। अरे वाह, क्या बात है, कोई इसे भी देख लो भाई, देखो देखो कितनी बढ़िया ड्रेस पहन के आई ये लौंडा। वाह बेटा, तो ये नाम रोशन करेगा स्कूल का। बिल्कुल। हाँ बेटा, तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ा है? हाँ जी मैडम, मैं आपके स्कूल आई हूँ। यू टाई किसकी है? तो मैडम जी, पिछले स्कूल की है। तो पिछले स्कूल में ही पढ़ने चला जाकर यहाँ क्या करने आवे? लो जी, एक इन्हें देख लो भाई, 10वीं क्लास में पढ़े हुए, ब्याह की उम्र होगी। मैडम जी, ब्याह तो होगा मेरा, और मेरे बालक भी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। दादाजी माफ कर दो मुझे, तुमसे कोई न जीत पाएगा। और मस्तानी, तुम्हारी टाई कहाँ है? मैडम जी, तुम्हें क्या बताएं, हमारे पापा कर लिया एक बुकरिया, और बुकरी में रुपया हो गए सबरे खर्च, रुपया घर इतने ना ही बचे जो एक रस्सी ले ले मैं, अगर बुकरिया बांधा ना तो बुकरिया भजत चली जाए, तो इके पास पापा ने हमारी टाई तो बुकरिया बांध दी। तो तुम दूसरी टाई खरीद लेते? मैडम ने यही कही थी पापा तय, हमें एक टाई ले दो। पापा ने कही जब तुम्हारी थी रस्सी के लिए रुपया नहीं, तुम्हें टाई कहाँ ले दे मैं, तुम्हें पता नहीं घर को खर्चा कितना हुआ है, तब हम बिना टाई की बजट चले आए। आंसू आ गए बेटा तेरी स्टोरी सुनकर। तुम दोनों तो ही लफंडर, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। चलो चलो क्लास में बैठे सब बच्चे। मैडम जी, यू भी कोई पूछने की बात है, यू तो सब है, बताओ हमारे देश का राष्ट्रीय खेल दुबकी दुबका है। आज कैसे रहे हो? अरे तो ना पता कुछ भी, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कंचा है, एंटोनिक से। ए मैडम जी, इन दोनों ने कुछ ना पता, हमारा राष्ट्रीय खेल तो गिल्ली डंडा है। बेटा तुम तीनों ने कुछ ना पता, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल काजल बताएगी, बता काजल। मैडम जी, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी? यू कौन सा खेल रहा है? नई खेल बना दिया तैने तो। देखो बालको, चलो मैं ही तुम्हें बताई दे रही हूँ, एक बार बताऊंगी बार बार नहीं बताऊंगी, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है बर्फ पानी। ओ बालको, बोला कि हमारी मैडम पागल होगी दी जाए। क्या कह रहे हो? हाँ तो बच्चों, मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले बता दी थी ना कि आज तुम्हारा पेपर होएगा, तो तुम्हें अपनी अपनी सीट पता है ना, अपने अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी मैथ का पेपर दिए दे रही हूँ, ठीक है? तो बैठ गए अपने रोल नंबर के हिसाब से। लो पकड़ो अपना पेपर। तो शुरू के 5 मिनट तुम्हारे पेपर फाड़ने, अरे पढ़ने, पेपर पढ़ने के लिए शुरू के 5 मिनट, उसके बाद आधा घंटा तुम्हें मिलेगा पेपर करने के लिए, उसके बाद तुम्हें अपनी अपनी कॉपी मेरे पास जमा कर देनी है, समझ में आई? अब शुरू कर दो पेपर। अरे मैडम जी, गलती होगी ठीक है, मैडम जी तुमने तो मुझे इंग्लिश का पेपर दे दिया। अरे मैंने गलत ना बांटा, तेरी बुद्धि से टक गई है, इंग्लिश का ही पेपर है आज। अरे झूठ की बोली मासू, तो भाई मार क्यों रहा है बताओ तुझे भी। अरे कैसे लड़ रहे हो?
अरे मैडम जी तुमने इंग्लिश का पेपर पकड़ा दिया और मैंने आके कहने पर सारे गणित के सवाल याद कर लिए रात में। अरे अकल के बहरो पेपर कर लो अपना, क्यों टाइम में फोड़ रहे हो सबके। बहुत देर से देख रही हूँ, चीटिंग कर रहे हो, बाहर आओ। आराम, इसकी चेकिंग करो। चल चल, जेब दिखा। पूरा मैडम, पूरी कॉपी ले रखी है तो। दिखाना इधर। ओए, जेब दिखा। मैम, दूसरी कॉपी। और चेक कर। दिखा, साइड दिखा। तू मुझे एक बात बता, पेपर चल रहा है इंग्लिश का, तू मैथ की चीटिंग में से क्या कर रहा है? मैडम जी, तो मुझे पता इंग्लिश का पेपर है, पर खाली छोड़ने से तो बढ़िया ही है, मैं इनकी मैथ के सवाल नहीं कर दूं, या मारे कर दिया थोड़ा। अच्छा, एक काम कर, यू पकड़ नई कॉपी, तू भी जा और नितिन को भी टिपा दियो, ठीक है? जा, ले जा अपनी कॉपी। लो मैडम जी, मेरे पेपर होएगो। कहा हुआ, अभी तो 15 मिनट भी पूरे ना हुए। अब मैडम जी क्या करें, जिनके भरोसे हम आए थे, बेखुद मैथ की चीटिंग ले बैठे ये न पाए। एक काम कर, चुपचाप नीचे बैठ, जो आ रहा है वो लिख, पेपर करके जाएगा पूरा। ठीक है मैडम जी। सीधे बैठो सब, मैं 5 मिनट के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में जा रही हूँ, 5 मिनट में आऊंगी, किसी का शोर नहीं चाहिए मुझे और कोई एक दूसरे के में से चीटिंग नहीं करेगा, समझे? बिजली मोह तो दिखा दे यार, तू तो मेरी सेटिंग है, मोह तो दिखा कम से कम। Can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these. हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप सब भी हमारे साथ अपने स्कूल लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और दोस्तों, जल्दी ही मैं आपको दिखाऊंगा गोल्ड प्ले बटन, जो हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का अवार्ड है,
और आप सब हमसे जुड़े रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे ही आप अपने भाइयों को सपोर्ट करते रहें, प्यार बनाए रखें। बाय।